कि ये इंसान इसमें पॉजिटिव चीज़ें ये हैं. सो हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करें कि हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू बी आर वे. जब कोई वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम एनॉय होते हैं, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक. क्या आप सब ने कभी ये सोचा है कि हम सब लोग या आप सब लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा एनॉय या इरिटेट क्यों होते हैं? इरिटेट होने की, एनॉय होने की सबसे बड़ी वजह एक ये है कि हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू बी आर वे. जब कोई वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम एनॉय होते हैं, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. और एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते को ख़राब करने के लिए, और वो किसी भी नौयत का रिश्ता हो सकता है, किसी भी किस्म का रिश्ता हो सकता है, भले वो आपके रिश्तेदारों में आपके टर्म्स किसी के साथ हों, या आप दोस्तों का कोई रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, या वैसे आपकी कोई कमिटमेंट हो, वर्किंग रिलेशनशिप में भी जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं वहाँ पर रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. हम सब चूँकि इंसान हैं और इंसानों की सोशल नीड्स भी होती हैं, इमोशनल नीड्स भी होती हैं, इसी की वजह से हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट जो है वो करना शुरू कर देते हैं. और जब भी आप कभी नोटिस करें कि हम किसी के साथ भी कोई रिश्ता कायम कर रहे होते हैं, सो हमारे माइंड में अनइंटेंशनली भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है कि हम इस इंसान के लिए अगर ये कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या करेगा, या ये हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, या ये हमारे लिए मज़ीद क्या क्या काम कर सकता है, हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, हमें किस किस्म की इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. और यहीं पर ही कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी रिश्ता जो होता है, वो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है. अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हाउ टू स्टॉप द एक्सपेक्टेशन. सो इसमें सबसे पहली जो नंबर वन चीज़ है कि ट्रीट योरसेल्फ वेरी काइंडली. अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ रहें. जिस तरह किसी एक छोटे बच्चे को आप कभी ट्रीट करें, वैसे ही आप अपने आप को ट्रीट करें, वैसे ही अपने आप से अच्छा बर्ताव करें, वैसे ही जो अपने आप को लाइक पैम्पर्ड करने की कोशिश करें. जो इसमें दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें, बट क्योंकि इंसान है, दूसरे इंसानों से कोई ना कोई आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प बट नॉट टू एक्सपेक्ट. तीसरी जो इसमें एक चीज़ आ जाती है कि किसी को भी प्रेशराइज मत करें कि वो हमारे लिए ये काम करे. अगर कोई आपको नो कह देता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, लर्न टू एक्सेप्ट नो. और कभी भी किसी को इम्पोज करना, प्रेशराइज करना, या किसी के सामने अनरियलिस्टिक गोल्स रखना, ये कभी भी किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता. सो कभी भी अनरियलिस्टिक गोल्स ना रखें, या कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के अगला पूरी ही ना कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपनी जो लिमिट्स हैं उनको पहचानें, अपने लिए भी बाउंड्री सेट करें और दूसरों की भी लिमिट्स का, बाउंड्रीज का ख्याल रखें. और इन सब से बढ़कर हमेशा जो अपना फोकस है वो शिफ्ट कर लें. अगर किसी ने आपको नो कहा, सो आपने लर्न टू एक्सेप्ट नो, जिस तरह मैंने पहले बात की है. और इसके साथ साथ किसी की भी अच्छाइयों को आप याद करें. अगर किसी ने आपको इनकार कर दिया, कोई आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा, सो आप हमेशा उसका एंगल चेंज कर लें, तस्वीर का रुख जो है वो तब्दील कर लें, और ये सोचें कि ये इंसान इसमें पॉजिटिव चीज़ें ये हैं. सो हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करें. डोंट एक्सपेक्ट, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल स्टार्ट लिविंग हैप्पी.